सबसे बेस्ट अल्टीमेट वीडियो कन्वर्टर के बारे में, जिसका नाम है वंडर से यूनिक कन्वर्टर, जो 1000 फॉर्मेट में आपकी वीडियो को कन्वर्ट कर सकता है, वो भी 30 गुना फास्ट स्पीड के साथ। इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते, एडिट कर सकते, बन सकते हैं, ट्रांसफर वीडियो कर सकते हैं और वीडियो मेटा डाटा भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत से फीचर है, मैं इसके फीचर के बारे में बताऊँ। और एक सबसे बड़ी फीचर की बात यह है कि अगर आप इसकी क्वालिटी से 3GB कन्वर्ट करें वीडियो को, जिसकी क्वालिटी 3GB एकदम वही रहेगी, उसकी क्वालिटी लो नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि हमारी वीडियो क्वालिटी कम हो जाएगी, तो आपकी वीडियो क्वालिटी कम नहीं होगी और 30 गुना तेज फास्ट आप कन्वर्ट करेगा। अब इसमें इंटरफेस आपको दिखाता हूं, आप एडिट कर सकते हैं, जैसे आप कोई वीडियो है तो क्रॉप कर सकते हैं, इमेज क्रॉप कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट लगा सकते हैं, ब्लैक इस वजह से मधुबाला की कब्र पर फूट फूट कर रोए थे पिता अताउल्ला खान। एक वो दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत का मतलब मधुबाला हुआ करती थी। यही वह समय था जब मुमताज, जहान बेगम लवी मधुबाला बनती जा रही थी। मधुबाला जिसे उस दौर का हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म की हीरोइन बनाना चाहता था। सादगी, खूबसूरत, धीमी मुस्कान लोगों के जहन में छप गई थी। अगर हिंदी फिल्म सिनेमा में खूबसूरत नहीं होती तो सब कुछ अधूरा होता। उनकी जिंदगी के बारे में इतना कुछ लिखा गया है कि अगर कुछ पढ़ लिया जाए तो उनका जीवन आंखों के सामने तैरने लगेगा। उनका फिल्म करियर, लव लाइफ, शादी और फिर कम उम्र मौत की मधुबाला की अधूरी जिंदगी 14 फरवरी 1933 से शुरू होकर 23 फरवरी 1969 को खत्म हो गई, जैसे कोई खूबसूरत सुबह के बाद सुहानी शाम ढल जाती है। मधुबाला के बारे में लिखा पढ़ा तो बहुत गया, लेकिन एक खूबसूरत हीरोइन की आदर्श बेटी वाली कहानी कभी सामने नहीं आई। जैसा मधुबाला खूबसूरत के किस्से तो बहुत ही है और बहुत लोगों ने लिखे हैं। उस समय पहली बार अमेरिका के थिएटर आर्टस नाम की मस्जिद में उनके नाम का कालम छपा, जिसे मधु को दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बताया गया। वो बदहोश था किसी कलाकार के लिए जिसने अपने जीवन में कभी अमेरिका में कदम न रखा हो, उन्हें वह देश सबसे बड़ा सितारा मानता था। मधुबाला बतौर हीरोइन लाजवाब थी, वह अपनी खूबसूरत से ज़्यादा अदाकारी में माहिर थी। लेकिन अफसोस तो यही है कि आज भी वह अपनी सुंदरता और सादगी के लिए ज़्यादा याद की जाती है। मधु एक बेमिसाल हीरोइन के साथ आदर्श लेती थी। आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके अपने 13 सदस्यों के परिवार को वह अकेली ही पाल रही थी। पिता अताउल्लाह के आदेश के बिना वह कोई काम नहीं करती थी। कभी इच्छा जताई भी तो पिता ने पूरी नहीं की। मधु और उनके पिता से जुड़ा यह किस्सा कम ही लोग जानते हैं। जब मधु इस दुनिया में नहीं रहे तो पिता अताउल्लाह बेटी के तर्क पर कब्र पर जाकर बच्चों की तरफ खूब रोए थे। वो रोई कि बेटी को ऐसे विदा करके। रोने के पीछे से मधु भी जाना ही नहीं था, बल्कि एक वजह यह थी कि वह कभी मधु को खुशियाँ नहीं दे पाए जो वो चाहती थी। मधु घर परिवार की जिम्मेदारी में इस तरह बन गई कि वह उनके पिता के लिए अपने प्यार दिलीप कुमार का त्याग कर दिया। इतनी बड़ी हीरोइन होकर लेकिन पिता के सामने कभी भी जिद ना कर सकी। मधु दिलीप को चाहती थी, एक गुलाब और चिट्ठी के साथ प्यार का इजहार किया था। दिलीप को भी मधु से उतना ही मोहब्बत थी जैसे कोई डूबता शाम से करता है, और फिर हर शाम उस शाम का इंतजार। हर प्रेम कहानी की तरह उनके प्यार की शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन कहा फिल्मों की तरह असली जिंदगी में भी हैप्पी एंडिंग होती। पिता को दोनों के प्यार की खबर हुई, पिता मधुबाला पर बरस पड़े और उनके रिश्ते को नकार दिया, लेकिन प्यार उन दोनों के बीच बना रहा। मधु को फिल्म नया दौर के लिए मुंबई से दूर ग्वालियर जाना था। पिता नहीं माने तो मधु की जगह वैजयंती माला को हीरोइन बना दिया गया। साथ ही अखबार में मधु की तस्वीर पर क्रॉस लगाकर छपवाई गई। पिता की यह बेइज्जती बर्दाश्त न हुई और मामले को कोर्ट तक ले गए। फिल्म के हीरो दिलीप कुमार ने इसे भरे कोर्ट में मधु से प्यार का इजहार कर दिया। दिलीप कुमार ने कहा, हाँ मैं मधुबाला से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। यह बात मधु को अपने प्यार की बेइज्जती लगी और दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। मधु चाहती कि दिलीप घर आकर पिता से माफी मांग ले और उनसे शादी कर ले, लेकिन दोनों खुददार इतने थे कि इस प्यार भरे रिश्ते में दोनों ना झुके। दिलीप ने मधु से कह दिया था कि वह अपने पिता का घर छोड़कर आ जाए और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दे। मधु उस पिता का दामन ऐसे नहीं छोड़ सकती थी और ना ही छोड़ना चाहती थी। जिसने कभी अपनी ख्वाहिश नहीं जानी, कुछ इस तरह दोनों के रास्ते अलग हो गए। दोनों फिल्मों में इतने व्यस्त हो जाना चाहते थे कि वह अधूरा किस्सा कभी ना याद आए। फिर क्या था, बिना मन के मधु ने किशोर कुमार से शादी कर ली और दिलीप
ने सायरा बानो से, सब कुछ ठीक ही था लेकिन एक रोज सिर्फ 35 की उम्र मधु कब्र में समा गई। कभी वो पिता को एहसास होता है कि छोटी सी उम्र खुशी से कट गई, इतनी छोटी उम्र में भी वह सुखी ना रह सकी क्योंकि उन्होंने इतने दर्द देकर दुनिया से विदा लिया। क्या होता अगर वो मान जाती, क्या होता मधु माफी मंगवाने की जिद पर ना पकड़ती, और क्या होता कि दिलीप कुमार पिता को बड़ा समझकर उनसे माफी मांग लेते। अगर ऐसा होता तो ये कहानी में इस तरह अंत ना होता और वह कब्र में ना जाती और पिता कब्र पर जाकर रोए। सिर्फ इतना ही नहीं, मधु को तो कुछ इस तरह से भुला दिया गया कि साल 2010 में उनकी कब्र तक को ध्वस्त कर दिया गया ताकि उसे किसी और को दफनाया जा सके। ओह मधु, काश तुम आज जिंदा होती, तुम्हारी मौजूदगी ये हवाओं में ना होती, तुम यूं ही इतनी कम उम्र में महान बन गई, इतनी महान की प्यार करना और त्याग देना जमाना तुमसे सीखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।